Hello everyone, in this video I am going to discuss about classification of nerve fiber. इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमें ये समझना होगा कि nerve fiber क्या है. देखिए सबसे पहले हम एक typical neuron के structure को देखते हैं तभी हम nerve fiber को समझ पाएंगे. Typical neuron में dendrite होता है, soma होता है और axon होता है. ठीक है, axon एक thread like structure है, एक धागे जैसा structure है पतला सा जिसमें या तो माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है. जबकि डेंड्राइट एक ब्रांचेस वाला स्ट्रक्चर है, ब्रांचिंग ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है जो ट्री जैसा दिखता है. तो इसमें जो एक्सॉन है वही हमारा नर्व फाइबर है. अ नर्व फाइबर इज अ थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ अ नर्व सेल एंड कंसिस्ट ऑफ एन एक्सॉन एंड माइलिन शीथ इफ प्रेजेंट. प्रेजेंट किसमें होगा? माइलिनेटेड नर्व में माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा जबकि अनमाइलिनेटेड नर्व में माइलिन शीथ एब्सेंट होगा. माइलिन शीथ किससे मिलकर बना होता है? न्यूरोग्लिया से. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माइलिनेटेड नर्व्स हैं उनमें जो माइलिन शीथ है वो बना होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट से और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ है वो बना होता है स्वान सेल से. ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर. वैसे तो कई तरह के क्लासिफिकेशन हैं, लेकिन हम मेनली तीन क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं. अर्लिंजर एंड ग्रासर क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, फिजियो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन. ये जो दो क्लासिफिकेशन है वो साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं. तो इस वीडियो में हम अर्लिंजर एंड ग्रासर क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे. उसके बाद ये बाकी के जो दो क्लासिफिकेशन है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी. ठीक है, अर्लिंजर एंड ग्रासर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नर्व फाइबर पे एक एक्सपेरिमेंट किया और ये पाया कि जैसे जैसे नर्व फाइबर का डायमीटर बढ़ता है वैसे वैसे कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ती है, मतलब इम्पल्स ट्रांसमिशन की गति बढ़ जाती है. तो उसी बेसिस पे उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया जिसमें नर्व फाइबर को तीन ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, ए बी और सी. ए फाइबर को, ए ग्रुप को अगेन कई फाइबर्स में डिवाइड किया गया है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन नर्व फाइबर हैव बीन डिवाइडेड इनटू ए बी सी ग्रुप्स. ए ग्रुप इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा फाइबर्स. ए एंड बी फाइबर्स आर माइलिनेटेड while C fibers are unmyelinated. ये बात ध्यान रखिएगा कि A और B fiber myelinated हैं जबकि C fiber unmyelinated है. C group के fibers, nerve fibers unmyelinated हैं. ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं. इस टेबल पे देखिए, इस टेबल पे मैंने लिखा है फाइबर टाइप, फाइबर डायमीटर, कंडक्शन वेलोसिटी एंड फंक्शन नर्व फाइबर का. ठीक है, सबसे पहले है A अल्फा फाइबर. देखिए ए ग्रुप में जो फाइबर्स हैं नर्व फाइबर वो सेंसरी भी हो सकते हैं और मोटर भी हो सकते हैं, जबकि बी ग्रुप में केवल और केवल सेंसरी फाइबर्स हैं और सी में भी सेंसरी फाइबर्स हैं. ठीक है, ए ग्रुप में ए अल्फा और ए बीटा में सेंसरी और मोटर दोनों फाइबर्स हैं, जबकि ए गामा में केवल इफरेंट फाइबर्स हैं, इफरेंट यानी मोटर फाइबर्स हैं, और ए डेल्टा में अफरेंट फाइबर्स हैं, अफरेंट यानी सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं. ठीक है, यहाँ पे आप जैसे जैसे इस श्रेणी को देखेंगे फाइबर डायमीटर की और कंडक्शन वेलोसिटी की, आप पाएंगे कि जैसे जैसे फाइबर डायमीटर यहाँ नीचे जाते हैं, डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे कंडक्शन वेलोसिटी भी घटती जा रही है. यहाँ पे ए अल्फा के लिए फाइबर डायमीटर है 12 से 20 माइक्रोमीटर. फाइबर डायमीटर को हम माइक्रोमीटर में लेंगे एंड कंडक्शन वेलोसिटी को हम लेंगे मीटर पर सेकंड में. तो इसकी कंडक्शन वेलोसिटी है 70 टू 120 मीटर पर सेकंड. मतलब इस गति से इस नर्व फाइबर में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है. ठीक है, वैसे ही ए बीटा में 5 टू 12 और जो फाइबर डायमीटर है वो 5 टू 12 माइक्रोमीटर है, जबकि कंडक्शन वेलोसिटी 30 टू 70 माइक्रोमीटर मीटर पर सेकेंड है. सॉरी, मीटर पर सेकेंड. कंडक्शन वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में, फाइबर डायमीटर को माइक्रोमीटर में. ए गामा में जो फाइबर डायमीटर है वो 3 टू 6 माइक्रोमीटर है, कंडक्शन वेलोसिटी 15 से 30 मीटर पर सेकेंड है, और ए डेल्टा में
दो से पांच माइक्रोमीटर फाइबर डायमीटर, जबकि कंडक्शन वेलोसिटी 12 से 30 मीटर पर सेकेंड। बी फाइबर में जो फाइबर डायमीटर है वो लेस देन 3 माइक्रोमीटर है, जबकि कंडक्शन वेलोसिटी 3 to 15 मीटर पर सेकेंड है। वही सी फाइबर में, सी फाइबर को फिर दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, डॉर्सल रूट और सिंपैथेटिक। तो इसमें डॉर्सल रूट में जो कंडक्शन फाइबर डायमीटर है वो 0.4 to 1.2 माइक्रोमीटर होगी, जबकि सिंपैथेटिक में, सिंपैथेटिक फाइबर्स में 0.3 to 1.3 माइक्रोमीटर होगी, और कंडक्शन वेलोसिटी डॉर्सल रूट में 0.5 to 2 मीटर पर सेकेंड, जबकि सिंपैथेटिक फाइबर में जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो 0.7 to 2.3 मीटर पर सेकेंड होगी। अब फंक्शंस को देखते हैं, तो ए अल्फा का जो फंक्शन है प्रोप्रियोसेप्शन। वैसे तो देखिए सभी नर्व फाइबर का फंक्शन क्या है, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन, मतलब नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग रिसेप्टर्स के थ्रू हो रहा है, अलग अलग नर्व फाइबर्स के थ्रू हो रहा है, तो उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है फंक्शन को। यहाँ पे प्रोप्रियोसेप्शन एक वर्ड आता है, प्रोप्रियोसेप्शन मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस। इट इज जस्ट लाइक अ सेल्फ सिक्स सेंस, जैसे आप महसूस करते हैं कि आप खड़े हैं, आप बैठे हैं, तो वो प्रोप्रियोसेप्शन के कारण होता है। और इसका मेन रीजन है, इसका जो कारण है प्रोप्रियोसेप्शन का, वो है प्रोप्रियोरिसेप्टर्स या मैकेनोरिसेप्टर्स, जो कि आपके बोन में प्रेजेंट होते हैं, लिगामेंट में प्रेजेंट होते हैं, और वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड प्रोप्रियोसेप्शन का, प्रोप्रियोसेप्शन को वैसे काइनेस्थीसिया भी कहा जाता है, और प्रोप्रियोसेप्शन इस वर्ड का ही मतलब होता है परसेप्शन या अवेयरनेस। इसका डेफिनेशन देखेंगे तो द एबिलिटी टू सेंस स्टिमुलाई अराइजिंग विद इन द बॉडी रिगार्डिंग पोजिशन मोशन एंड इक्विलिब्रियम इज नोन एज प्रोप्रियोसेप्शन और काइनेस्थीसिया। इस वर्ड को भी ध्यान रखिएगा, काइनेस्थीसिया को ही प्रोप्रियोसेप्शन कहा जाता है। तो ए अल्फा फाइबर्स का काम प्रोप्रियोसेप्शन है। देन सोमेटिक मोटर, गॉल्गी टिंडन ऑर्गन्स, टच, ये सारा इनका फंक्शन है। ए बीटा फाइबर का टच, प्रेशर एंड मोटोर फंक्शंस, एंड ए गामा का, देखिए टच जो है वो सेंसरी फाइबर का काम है, और मोटर जो है वो मोटर फाइबर का काम है। मतलब इसमें सेंसरी मैंने शुरू में बता दिया था, इसमें सेंसरी और मोटर दोनों टाइप के नर्व फाइबर हैं, इसलिए ये दोनों टाइप के फंक्शन करते हैं, जबकि यहाँ पे केवल मोटर टू फंक्शनल मसल स्पिंडल्स। यहाँ पे मैंने कहा था ये इफरेंट नर्व फाइबर है, यानी मोटर नर्व फाइबर है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो मोटर फंक्शन होंगे। डेल्टा में पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच, ये पूरे सेंसरी रिसेप्टर के काम है, ठीक है। देन बी फाइबर्स में प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स, यही ये इसी एरिया में बी फाइबर पाए जाते हैं। ऑटोनोमिक प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक नर्व फाइबर में नर्व ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में ये बी फाइबर स्पेसिफिकली पाए जाते हैं, और इनका काम वही है जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स का है होना चाहिए, मतलब कि जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटी को ये कंट्रोल करते हैं। तो प्री गैंग्लियोनिक ये जो वर्ड है इसका मतलब समझिए, सीएनएस से गैंग्लिया तक जो नर्व फाइबर इंपल्स ट्रांसमिट करते हैं वो प्री गैंग्लियोनिक है, और जो गैंग्लिया से इफेक्टर ऑर्गन तक नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करते हैं वे फाइबर्स पोस्ट गैंग्लियोनिक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में। अब ये सी फाइबर्स में पेन, टच, टेम्परेचर, कंडक्ट इम्पल्सिस जनरेटेड बाय क्यूटेनियस रिसेप्टर, ये काम है डॉर्सल रूट का। एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, ये सिंपैथेटिक फाइबर्स का, ठीक है, मतलब पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक पार्ट में इनका काम नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन का है। ये पूरे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है, मतलब बी और सी इज बेसिकली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। So this is the end of the video. Hope you understand it very well. अगर आपको कोई doubt हो तो आप description में पूछिएगा. And thank you so much.